आज हम देखेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक फंक्शंस की डोमेन रेंज से पहले जस्ट अ क्विक रीकैप, सबसे पहले डोमेन हमारे पास एक्स वैल्यूज होती हैं, रेंज हमारे पास वाई वैल्यूज होती हैं, और दो तरीके हैं इनको करने के, एक मैथमेटिकल और एक ग्राफिकल। डोमेन रेंज को पढ़ने के ये दो पर्पजेज हैं हमारे, एक तो फंक्शन डिफाइंड रहना चाहिए, so we need to, domain को देखते हुए we need to be careful about those values जिसके ऊपर function undefined हो जाता है। फिर दूसरी बात आ जाती है existence of graph के ऊपर, ठीक है। अच्छा, start हमने किया था straight line equation से, ये graphically हमने तकरीबन सारों को देखा था यहाँ पे। यहाँ से mathematical method पे आ गए थे हम कि mathematically अब हमने किस तरीके से देखना है एक linear function को। लीनियर फंक्शन में आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होती है, इसके अंदर अगर ग्रेडियंट पॉजिटिव है तो डोमेन बढ़ेगी तो रेंज भी बढ़ेगी आपके पास। अगर आप डोमेन इंक्रीज करते हैं तो रेंज भी इंक्रीज करती है, ये इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। इस तरीके से अगर आप डोमेन डिक्रीज करते हैं तो रेंज जो है वो भी डिक्रीज करेगी। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपके पास नेगेटिव ग्रेडियंट है, लाइन आपके पास डिक्रीज कर रही है, तो आप डोमेन बढ़ाएंगे। अगर इस पॉइंट पे डोमेन ये है, रेंज ये है और डोमेन ये है, तो आप डोमेन बढ़ाने से आप देखते हैं कि रेंज वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर देती है। डोमेन इंक्रीज किया यानी एक्स वैल्यू हमने बढ़ाई तो वाई वैल्यू डिक्रीज होगी। तो इसमें इससे ये इंफॉर्मेशन से हमें क्या फायदा होता है कि जब अगर पॉजिटिव ग्रेडियंट वाली है तो अगर डोमेन में ग्रेटर है तो रेंज में भी ग्रेटर देन का आएगा, डोमेन में लेस है तो रेंज में भी लेस का आएगा। अगर नेगेटिव वाला ग्रेडियंट है तो डोमेन में ग्रेटर है तो रेंज में लेस देन का आएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन गिवन वैल्यू होगी तो वाई की वैल्यू लेस देन उसके अगेंस्ट जो रेंज आएगी उससे लेस होगा। बाकी इनका तरीका यही था कि आपने इसके अंदर जो भी डोमेन वैल्यू है वो इसके अंदर पुट कर देनी है तो रेंज वहां से आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसमें 1 पुट किया तो 2 बंदर 2 प्लस 3 5 आ गया, तो रेंज वैल्यूज आपकी 5 और 5 से बड़ी होंगी। इस तरीके से अगर डोमेन में कहता हूँ लेस देन 0 है तो 0 इसमें पुट करें 3 आ जाता है, तो रेंज वैल्यूज इसमें लेस देन 3 होंगी। ओके, समझ में आ गया, यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ था इसमें, और नेगेटिव ग्रेडियंट में ये आपके पास यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद हमने रेडिकल फंक्शन किया था, रेडिकल फंक्शन रूट का निशान आया था, ये प्लस रूट है, इसमें रेंज हमेशा ग्रेटर देन ही होगा अनलेस बाय नेगेटिव का साइन आ जाए। अगर बाय नेगेटिव का साइन आता है तो रेंज नेगेटिव लेस देन का साइन के साथ आएगी। इसमें रेंज हमेशा ग्रेटर इसलिए होगा क्योंकि नो मैटर व्हाट आपको ये हमेशा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू इसमें पुट नहीं कर सकते, आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करनी है, ये रूट हमेशा आपको एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो पॉजिटिव वैल्यू देने की वजह से इसके अंदर आपके पास रेंज जो है ग्रेटर देन स्पेसिफिक नंबर होगी आपके पास। अच्छा, अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमने क्वेश्चन दिया था डोमेन के लिए, मैंने आप इसमें जो भी पुट करते हैं, रेंज में आपने देखा, आपने डोमेन को करते हुए, ये तो इसकी नेचुरल डोमेन होगी ना, नेचुरल डोमेन। अब आपने इसकी एग्जिस्ट फाइंड करनी है तो रूट के अंदर जो भी है उसको इक्वल टू जीरो पुट कर दे, आपके पास इसकी नेचुरल डोमेन आ जाएगी, सही है। जैसे अब ये x is greater than equals to 1 आ गया, बट अगर इसमें examiner restrict कर देता है, examiner आपको कहता है कि भाई domain let's say इसकी है 5, x greater than equals to 5, तो फिर रेंज क्या होगी, आपने इसमें 5 पुट करना है, 5 minus 1 4 आ गया, root of 4 जो होता है आपके पास 2 होता है, तो 2 plus 3 जो है वो 5 आ जाएगा, तो रेंज जो है वो भी आपके पास greater than equals to 5 आ जाएगी, ठीक हो गया। पर नेचुरल डोमेन जो है इसकी इस तरीके से आएगी। लीनियर फंक्शन की नेचुरल डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स, और नेचुरल रेंज जो है वो भी ऑल रियल नंबर्स होगी। आज का हमारा मेन टॉपिक है ग्राफ ऑफ, सॉरी डोमेन एंड रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक्स। इसके अंदर एक वर्टेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ग्राफ है, हम थोड़ा सा रीकैप कर लेते हैं ग्राफ को। लेट से मेरे पास ये इसका वर्टेक्स है और इसकी वैल्यू में आप लेट सपोज -1 -3 है। अब इसकी मुझे नेचुरल डोमेन और नेचुरल रेंज बताएं, ग्राफ को देख के आपको क्या लगता है
इसकी नेचुरल डोमेन और नेचुरल रेंज क्या है। डोमेन मतलब इसकी एक्स वैल्यूज, जो नेचुरली इसकी एक्स वैल्यूज हैं, रेंज मतलब इसकी वाई वैल्यूज। नहीं समझ में आ रहा? सर x is greater than or equal to minus one शायद। ये आप कह रही हैं x is greater than equals to minus one इसकी डोमेन है। ओके, सो व्हाट अबाउट द वैल्यूज बिफोर माइनस x? उस पे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा? तो रहा मीन तो रहा है फिर डोमेन इसकी क्या हो जाएगी? फिर अच्छा ये ले, कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन लिख लेते हैं, x स्क्वायर्ड प्लस 4x। आप मुझे बताएं इसकी नेचुरल डोमेन क्या है। डोमेन का मैंने बताया था, जब भी जिक्र होगा आपने ये देखना है कि ये फंक्शन अनडिफाइंड ना हो, ऐसी वैल्यू नहीं पुट करनी जैसे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो। क्या ये किसी वैल्यू पे फंक्शन अनडिफाइंड होता है? मरवा सर मुझे याद नहीं है। x की कोई सोचो ना, ऐसे रैंडम वैल्यू इफ देयर एनी सच वैल्यू इफ देयर एनी सच वैल्यू अनडिफाइंड हो जाता है। -2 पुट करते हैं जी, -2 स्क्वायर प्लस 4 इनटू -2 4 प्लस 4 इनटू -2 प्लस माइनस 8 एंड देन माइनस 4। ये तो आंसर आ गया, अनडिफाइंड तो नहीं हुआ। नहीं होगा अनडिफाइंड, ये किसी भी x वैल्यू के लिए अनडिफाइंड नहीं होता। तो इसकी डोमेन क्या होगी? ऑल रियल नंबर। ठीक है, रेंज रेंज देखें, ऐसी कोई y वैल्यू ग्राफ पे नजर आ रही है जिसके अगेंस्ट ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करता? नहीं सर। You mean to say कि सारी y values के लिए graph exist करता है? -3 से ऊपर सारी करता है। शाबाश, -3 y की value -3 से ऊपर हर value के लिए graph exist करता है। -3 से नीचे let's say आप y की value -5 ले लेते हैं, तो यहाँ से देखें ग्राफ है, वाई की वैल्यू -5 इस लाइन पे होगी ना, इधर ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा। सो -3 से नीचे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसकी रेंज क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू -3। इसकी रेंज क्या होगी बेटा? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। ठीक है, समझ में आया? ये थी किसी भी क्वाड्रेटिक की नेचुरल डोमेन। किसी भी क्वाड्रेटिक की, सॉरी ये वाई वैल्यू होती है, किसी भी क्वाड्रेटिक की नेचुरल डोमेन जो होती है ना, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो नेचुरल डोमेन है दैट इज ऑलवेज ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, और जो रेंज होगी उसकी, ठीक है, वो उसके वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट होगा। रेंज जो होगी हमेशा y कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, वहां से आपने हमेशा देखनी है।
तो इसके वर्टेक्स ये है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट बनता है माइनस थ्री। अब ग्राफ ऊपर की तरफ है तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस थ्री। अगर यही ग्राफ लोअर पैराबोला होता तो इसकी रेंज हो जाती y इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस थ्री। सो दिस इज द नेचुरल डोमेन एंड रेंज ऑफ एनी क्वाड्रेटिक। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू लुक इनटू इट। ओके अच्छा, अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है एफ एफ एक्स इक्वल्स एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस थ्री, ठीक हो गया। अच्छा, जो इसकी नेचुरल डोमेन पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं, इसकी नेचुरल डोमेन क्या होगी? राइट साइड को यहाँ पे ग्राफ स्केच भी कर लेते हैं हम। इसका वर्टेक्स क्या है बेटा? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स बताएं जरा इसके क्या है। इसी क्वेश्चन के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? वन एंड थ्री, शाबाश। और ये वर्टेक्स जो है ये मिनिमम पॉइंट है या मैक्सिमम पॉइंट है? मिनिमम पॉइंट है, क्योंकि एक अपर पैराबोला, ठीक है ना। अच्छा, तो चलिए इसका हम ग्राफ स्केच करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास वन और थ्री इस जगह पे बनता है, तो लेट्स से आपके पास ग्राफ आ गया, ये आ गया, ठीक हो गया। सो लेट्स सपोज दिस इज वन एंड दिस इज थ्री। अच्छा जी, तो इसकी नेचुरल डोमेन आ जाएगी आपके पास, जैसे कि हमने अभी जिक्र किया, किसी भी क्वाड्रेटिक की नेचुरल डोमेन हमेशा ऑल रियल नंबर्स होगी। सो व्हाट अबाउट द रेंज फॉर दिस वन? सर एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। शाबाश, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये तो आगे इसकी नेचुरल डोमेन। अब प्रॉब्लम वहां आएगा जहां पे नेचुरल डोमेन से एग्जामिनर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन देगा आपको। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। अब इस केस में सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, ये तो पहले हमने ये नेचुरल देख ली, दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं। लेट्स सपोज एग्जामिनर कहता है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अच्छा, अब यहाँ पे ग्राफ से देखते हैं जी, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पुट करें, बताएं। x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू क्या आ रही बच्चे? तो पुट करें ना इसमें x की जगह क्या आता है, 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 1 प्लस 3 4 आ गया। तो इसकी रेंज बन जाती है y is greater than equals to 4। कैसे? ये देखें ग्राफ को, हम उतना ही स्केच करते हैं जितना एग्जामिनर ने बोला है। एग्जामिनर कह रहा है ग्राफ जो है उसकी डोमेन, जब डोमेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, मतलब x की वैल्यू 2 और 2 से पीछे पीछे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो लेट्स इरेज द ग्राफ बिफोर दोस वैल्यूज। ये हमने इरेज कर दी, ठीक है। अब ग्राफ इधर से आगे तक जा रहे हैं, 2 से ग्रेटर वैल्यूज है x वैल्यूज, तो मिनिमम वैल्यू आपके पास y की क्या आ रही है? 4, ठीक हो गया, सही है जी सर। अच्छा, ये सीधा सीधा केस था। अभी हम चलते हैं थोड़े से और टेढ़े केस के ऊपर। अभी हम लेते हैं, बल्कि अभी नहीं, अभी पहले एक और सीधा केस करते हैं। अब सपोज मैं आपको कहता हूँ x इज less than equals to 1, इस पे बताएं, ये डोमेन है, मैंने बोला है 1 और 1 से पीछे पीछे ग्राफ है, so let's erase the graph which is before that। चले इसको erase कर दूं पीछे से। x is less than equals to 1, मतलब x की वैल्यू 1
और उससे आगे वाले जितना भी ग्राफिकल पोर्शन है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब मुझे बताएं इसकी रेंज क्या होगी? y is greater than 3 and equal to 3। शाबाश, आप इसमें भी बेशक पुट करके देख सकते हैं, 1 इसमें पुट किया, 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3 आपके पास आ जाएगा 3। तो y is greater than equals to 3। अब यहाँ पे आपने एक चीज नोट की है, y greater than equals to 3 आ रहा है, सही है, क्योंकि ये अपर पैराबोला है, इसमें लेस देन का निशान नहीं आएगा। लेस देन तब होगा जब ये लोअर पैराबोला होगा। बेशक ये लेस देन वन है, आप x की वैल्यू पीछे डिक्रीज करते जाएंगे, y की वैल्यू आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ जाती जा रही है, इंक्रीज करेगी, ठीक है, शाबाश। अच्छा, अब हम चलते हैं थोड़ा सा और ट्रिकी केस कर लेते हैं। मैं कहता हूँ जी, बल्कि ट्रिकी केस करने से पहले मैं स्केच कंप्लीट कर लूँ। अच्छा जी, तो ये भी रेज हो गया, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 आया था इसमें मेरे पास। अच्छा, अब हमारे पास आ गया एक ट्रिकी केस, अब हम ट्रिकी केस को लेकर चलते हैं। अब मैं कहता हूँ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। हाँ जी, बताएं जी इसकी रेंज क्या होगी? x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के हिसाब से रेंज बताएं क्या होगी? आप देखें जरा, मैं एक डोर बेल देख के आया, कौन है? हाँ जी बेटे, हाँ जी बताएं। अच्छा, अभी इसको हम ग्राफिकली देखते हैं। एग्जामिनर कह रहा है कि जीरो और जीरो से आगे आगे ग्राफ एग्जिस्ट करता है, ये लिखिए, हमने जीरो और जीरो से आगे आगे हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया। ये एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो इधर से राइट साइड पे इस पॉइंट से, ठीक है। अब अगर आप ग्राफ को देखें, अगर आप जीरो इसमें पुट करते हैं तो 4 आंसर आता है, वो तो बिल्कुल ठीक हो गया, 4 आता है। जीरो पे ये क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। चलो तो इसको हम ग्राफ को थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, ये। अच्छा, अब इसके अकॉर्डिंगली लग रहा है कि 4 से ऊपर ऊपर ग्राफ एग्जिस्ट करता है। क्या 4 से नीचे ग्राफ नहीं है? ग्राफ है। तो फिर आप उसको ग्राफ को देखें, मिनिमम वैल्यू क्या है? क्योंकि अब थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट आ गया था। ग्राफ की को देखें, मिनिमम पॉइंट क्या है? 3 है। मिनिमम पॉइंट 3 है। तो यहाँ पे आपने ग्राफिकली ध्यान से देखना है कि यहाँ पे y की वैल्यू इस केस में भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होगी। बेशक 0 पुट करने से 4 आ रहा है, बट अगर आप लिख देते हैं डायरेक्ट y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, कि y जो ग्राफ है वो 4 और 4 से ऊपर वैल्यू है y की, तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि आप ध्यान से देखें 4 के नीचे भी, तो क्योंकि ग्राफ क्वाड्रेटिक ग्राफ की नेचर ऐसी है ना कि नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, ठीक हो गया, समझ में आया? जी सर। अच्छा चलिए, इसका एक और केस करते हैं। अब हम लेट्स से मैं कहता हूँ x की वैल्यू ग्रेटर है माइनस वन से, अच्छा पहले ठीक है, माइनस वन से और लेस है इक्वल टू 5, यानी अब वो कह रहा है माइनस वन से लेकर 5 तक, माइनस वन से लेकर 5 तक जो है आपकी डोमेन है। अच्छा जी, सबसे पहले माइनस वन पुट करें जी, इसमें क्या आता है? माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो गया, माइनस टू का स्क्वायर 4, 4 प्लस 3 7 आ गया। अच्छा जी, और 5 पुट करें क्या आता है? 5 माइनस वन
फोर आ गया, फोर का स्क्वायर 16, 16 प्लस 3 19 आ गया। ऐसे ही आ रहा बच्चे? जी सर। तो हमारे जो कैलकुलेशन के हिसाब से हमारी रेंज बनती है मैक्सिमम 19, मिनिमम क्या आ रही थी माइनस वन पुट करने से 7 आ रही थी। कैलकुलेशन के हिसाब से ये चल रहा है, लेकिन अब ग्राफ को देखते हैं जी। तो इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ ग्राफ को देखना कितना इम्पोर्टेंट है। माइनस वन पुट किया जी हमने, तो आंसर आ रहा है हमारे पास जो वाई वैल्यू है वो 7 आ रही है। और इसी तरीके से जब हमने फाइव पुट किया है तो हमारे पास ये ऊपर जाके लेट्स से ये जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करता है वो आ रही है वैल्यू 19। ठीक हो गया। तो इसका क्या मतलब ये है कि 7 से लेकर 19 तक ग्राफ एग्जिस्ट करता है। 7 से नीचे ग्राफ नहीं है। इसके मुताबिक तो यही है कि 7 से लेकर इन वैल्यूज के लिए माइनस वन से लेकर 5 तक, 7 से लेकर 19 तक ग्राफ है। माइनस वन से 5 की रेंज में तो ग्राफ नीचे भी है, 7 से कम भी है ना। तो अगेन हमने इसमें देखना है कि मिनिमम पॉइंट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ग्राफ को देख के हमने अपनी रेंज करेक्ट कर ली, वो आ रही है 3 से ऊपर, मिनिमम वैल्यू 3 है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास 19 है। तो इसमें ये ग्राफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है बच्चे, यहां तक समझ में आया? अच्छा, अब इसमें मैं कहना जो इसमें ये तो हमने अभी ग्राफिकली किया, अभी हमने मैथमेटिकली नहीं किया, सारा मैंने आपको ग्राफिकली बताया। तो हमने साथ साथ मैंने ग्राफ एडजस्ट किया है ताकि मैं आपको ये साथ साथ बताता जाऊं। मेन पर्पस इसमें आपको ग्राफिकली करवाने का ये था कि आपको एक तो ग्राफिकल आइडिया हो जाए कॉन्सेप्ट का कि क्यों आप बार बार इसको एडजस्ट करते। जैसे यहाँ पे भी हमने 0 पुट किया तो आंसर एक्चुअली में 4 आ रहा था, बट हमने 3 लिखा क्योंकि 4 इज नॉट द मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्या है ये? अब यहाँ से आप एक चीज नोट करें कि वर्टेक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसकी रेंज के अंदर। अगर आप वर्टेक्स की किसी एक साइड के ऊपर डोमेन सेट करते, जैसे कि मैंने पहले दो केस बड़े सीधे सीधे रखे थे, मैंने बोला ग्रेटर देन 2, इससे आगे आगे, फिर तो वर्टेक्स उसमें शामिल ही नहीं था ना, तो फिर तो मिनिमम पॉइंट आपका यही बन गया 4। ऐसा ही हुआ था जी सर। फिर दूसरा केस था वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 1। अच्छा, इसमें आप अगेन आप वर्टेक्स के एक साइड पे थे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां ऐसा आपके पास डोमेन आ जाए कि वर्टेक्स बीच में आ रहा हो, जैसे अभी ये दिया 0 से ऑनवर्ड, अब 0 से ऑनवर्ड वर्टेक्स अंदर आ रहा है डोमेन की बाउंड्री पे नहीं है। पहले केस में वर्टेक्स तो खैर है ही नहीं था, इंक्लूडेड ही नहीं था, आप वर्टेक्स के राइट साइड पे थे। दूसरे केस में आप वर्टेक्स की बाउंड्री पे थे जरूर, लेकिन आप वर्टेक्स के टोटल लेफ्ट साइड पे थे। अब मेरी जो डोमेन ऐसी है कि मेरे पास वर्टेक्स डोमेन के बीच में आ रहा है, ऐसे ही है ना, डोमेन के अंदर आ रहा है, वहां पे आपको एडजस्टमेंट करनी होगी। तो अब आते हैं इसकी मैथमेटिकल मेथड पे, सेम क्वेश्चन में हम करते हैं मैथमेटिकल मेथड से। अब हमें आप यूं इमेजिन करें आपको ग्राफ आता ही नहीं है, ठीक है। अब हमने इसी क्वेश्चन को ऐसे करेंगे कि जैसे हमें इसका ग्राफ पता ही नहीं है क्या है, बिल्कुल एक नॉर्मल। तो सबसे पहले हम इसका वर्टेक्स लिख लेते हैं। वर्टेक्स इसका क्या बनता था, क्योंकि मैंने आपको बताया वर्टेक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, पहले हम क्वेश्चंस लिख लेते हैं। लेट सपोज हम करेंगे x greater than equals to 1, फिर उसके बाद हम डोमेन रखेंगे x is greater than equals to 3, फिर उसके बाद हम चले जाएंगे x is less than equals to 2, फिर हम देखेंगे x is greater than equals to 0, फिर हम माइनस वन से लेकर 5 तक। अब बेटा सबसे पहले चले, अभी हम
हमें यूँ समझते हैं हमें ग्राफ आता ही नहीं है, ठीक है। हम क्या करते हैं, सिंपल डोमेन पुट करते जाते हैं और रेंज निकालते हैं। सिंपल वन पुट किया, वन माइनस वन जीरो, जीरो का स्क्वायर आ गया, जीरो जीरो प्लस थ्री थ्री आ गया, अपर पैराबोला है तो इसकी रेंज मेरे हिसाब से बनेगी y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री। नेक्स्ट करते हैं जी, थ्री उसमें पुट कर दिया, थ्री माइनस वन टू आ गया, टू का स्क्वायर फोर आ गया, फोर प्लस थ्री आ गया सेवन, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सेवन आ गया। फिर आप जी इसी के अंदर आप टू पुट करेंगे, ये अगला क्वेश्चन, टू टू माइनस वन आ गया वन, वन का स्क्वायर आ गया टू, सॉरी सॉरी वन टू माइनस वन आ गया वन, वन का स्क्वायर वन, वन प्लस थ्री आ गया फोर, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू फोर। फिर आप जीरो पुट करेंगे जी, जीरो माइनस वन, माइनस वन माइनस वन का स्क्वायर वन, वन प्लस थ्री फोर आ गया, सो y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू फोर आ गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अब आपने इसमें पहले माइनस वन पुट करेंगे, माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो गया, माइनस टू का स्क्वायर फोर, फोर प्लस थ्री सेवन, तो सेवन से लेकर अपर लिमिट क्या है फाइव, फाइव पुट किया इसके अंदर तो फाइव माइनस वन फोर, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, सिक्सटीन प्लस थ्री नाइनटीन, ठीक हो गया जी। ये हमने बिल्कुल एक लेमैन लैंग्वेज, लेमैन की तरह जिसको ग्राफ पता ही नहीं है उसकी तरह हमने रेंज निकाली, लेकिन हमें इसमें वर्टेक्स का ख्याल नहीं रखा। अब मैं आपको बताता हूँ आपने इसकी की क्या है, इसमें आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है, तब आपका ये हमेशा कभी भी आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पेपर में अगर ग्राफ नहीं भी बना हुआ या बनाने का टाइम नहीं है या आपको ग्राफ ही भूल गया, ग्राफ कन्फ्यूज़ कर रहा है, चले यूँ कर लें ग्राफ आता है ग्राफ कन्फ्यूज़ कर रहा है, तब आपने बेटा ये की पॉइंट जो है वो सामने अपने ध्यान में रखना है। बहरहाल ग्राफ से डोमेन रेंज निकालना बेस्ट होता है, सामने नजर आ रहा होता है, बट अगर ग्राफ नहीं आता तो फिर इसका शॉर्टकट क्या है वो मैं आपको एक इसका तरीका बताने लगा हूँ, इसका वे आउट। अगर तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स ऑफ वर्टेक्स इज इन डोमेन, अगर वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट डोमेन के अंदर है, इफ, ठीक हो गया, देन यानी के डोमेन के अंदर वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट शामिल है, अगर ग्राफ, इसका मतलब क्या हुआ, यानी ग्राफ में वर्टेक्स इंक्लूडेड है, तो अगर ग्राफ में वर्टेक्स का एक्स इंक्लूडेड है तो वर्टेक्स का वाई भी इंक्लूडेड होगा, बस सिंपल सी की आपने याद रखनी है, देन वाई ऑफ वर्टेक्स शुड बी इन रेंज, ये आपने ध्यान रखना है। इस की को फॉलो करते हुए अभी हम देखें इसकी करेक्शन करते हैं कैसे, ठीक हो गया, इसमें देखते हैं कि अगर कुछ गलत है तो वो कैसे है। सबसे पहले ये देखें, x is greater than equal to 1, फौरन से मुझे बताएं क्या ये वर्टेक्स का x इस डोमेन में है, जी सर डोमेन में, अगर है तो वर्टेक्स का y जो है वो भी इसकी रेंज में होना चाहिए, वो है तो ये क्वेश्चन हमारा ठीक हुआ गया, ये हमने बिल्कुल ठीक किया, इसका मतलब है लें जी इस पर टिक लगा लेते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या वर्टेक्स का एक्स इसकी डोमेन में है, ये एक्स इसकी डोमेन में है, ये डोमेन उसने दिया है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, इज दिस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स इंक्लूडेड इन द डोमेन, क्यों मरवा, डोमेन में नहीं है ना, क्योंकि वो x greater than 3 और equal to 3 है। शाबाश, तो ये 1 जो है इसकी डोमेन में नहीं है, तो ये जो y है नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब है ये हमारा आंसर ठीक है।
ओके ठीक हो गया जी सर। अच्छा अब अगला देखें, क्या ये वर्टेक्स का एक्स इसकी डोमेन में है? तो यानी कि ये वन इंक्लूडेड है इसमें, तो इसका मतलब है ये भी इसकी रेंज में होना चाहिए। क्या ये है इसकी रेंज में? नहीं है, इसको ये इसका मतलब है गलत है। इसको अभी हम करेक्ट कर लेते हैं, तो इसकी करेक्शन करते हैं जी। ये हमने इसको क्रॉस किया, हमने दोबारा से रेंज लिखनी है। दिस इज द करेक्ट रेंज, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। हमने इंक्लूड करवा देना है, क्योंकि हमें वो पता है कि अगर वर्टेक्स इंक्लूड हो गया तो यानी वर्टेक्स का x अगर है तो वर्टेक्स का y भी होना चाहिए था। ठीक है ओके अब जो आ जाके ये वाला हमारा ठीक हो गया। ये जो पहले हमने मैथमेटिकली हमने एवी रैंडम निकाला था वो गलत हो गया। ठीक है जी सर। अच्छा नेक्स्ट, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या ये इसका x इसकी डोमेन में शामिल है? जी सर, बिकॉज़ इट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 से भी सारे ना। हां तो ये इसका y भी इसकी रेंज में इंक्लूडेड होना चाहिए। इज दैट सो, है या नहीं है? नहीं इसको करेक्ट करेंगे y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 हो जाएगा ये। ओके अच्छा अब हम आते हैं इस तरफ, पहले हम ये वाला पार्ट देखते हैं फिर हम ये वाला पार्ट देखेंगे, या दोनों को इकट्ठा देखना है तो इकट्ठा देख लेंगे। ठीक है, क्या वर्टेक्स का x इसकी डोमेन में है? वर्टेक्स का x इसकी डोमेन में है है वन है, तो माइनस वन और फाइव के बीच में वन आता है, तो डोमेन का पार्ट है ये वन। तो रेंज जो इसका वर्टेक्स का वाई है वो भी इसकी रेंज का पार्ट होना चाहिए। वो कह रहा है 3 इसका पार्ट होना चाहिए, 3 इसमें इंक्लूडेड है? नहीं, तो हम इसको करेक्ट कर लेंगे। हम इसको कैसे करेक्ट करेंगे? 7 से नहीं स्टार्ट होता, हम बोलेंगे ये किससे स्टार्ट होगा? 3 से स्टार्ट होता है, तो इसको हम क्रॉस करेंगे और फिर हम इसका करेक्ट वर्जन लिखेंगे नीचे। अब हम बोलेंगे 3 ये इसकी करेक्ट रेंज आ गई आपके पास। ओके ये देखें, अभी कोई ग्राफ नहीं बनाया और हमने सारे ग्राफ कर लिए। अभी मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ, ये चेक करें ग्राफ से। जब हमने सेम क्वेश्चन की रेंज निकाली थी वो ये देखें, -1 से 5 -1 से 5, ये ग्राफ से हमने निकाली थी 3 से 19, ये हमने मैथमेटिकली निकाल लिया। तो ये की एक इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, जब आप क्वाड्रेटिक्स का ग्राफ देख रहे हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक्स की ग्राफ की नेचर ऐसी होती है वो पहले डिक्रीज करता है फिर इंक्रीज करता है। लीनियर तो थ्रू आउट डिक्रीज कर रहा है या थ्रू आउट इंक्रीज कर रहा है, तो उसकी डोमेन रेंज तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। क्वाड्रेटिक्स की डोमेन रेंज में ये प्रॉब्लम आता है, आपका ये मिनिमम पॉइंट है, आपकी डोमेन शुरू यहीं से हो रही है और यहाँ तक जा रही है, तो मिनिमम पॉइंट बीच में आ रहा है। तो आपका ग्राफ जहाँ से डोमेन स्टार्ट हो रही है वहां से फंक्शन डिक्रीज कर रहा था, बाद में जाके इंक्रीज करना शुरू हो गया। अब आप बोलें जी ग्राफ यहाँ से ऊपर जा रहा है, वो गलत हो जाएगा। ठीक हो गया, वो आपने फिर मिनिमम पॉइंट इंक्लूड करना होगा उसके अंदर। तो ये वो की है कि अगर वर्टेक्स का एक्स डोमेन में है तो उसका वाई भी उसकी रेंज में होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर जो है वो आंसर ठीक आया आपका। ओके ठीक हो गया। चल अभी मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ, एक और, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 10। जी मुझे इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स बताएं जी, क्या है? -2 and 10 वेरी गुड, ठीक हो गया। चलें जी, x इज मैं सिर्फ डोमेन्स लिख रहा हूँ अभी,
ठीक हो गई। अब मुझे इसकी जल्दी से वैल्यूज पुट करवाएं, अभी उसको छोड़े, करेक्टेड वर्जन नहीं बताना है आपने, सिंपल ग्राफ के बगैर या लेमैन तरह आपने वैल्यू पुट करनी है मुझे बता। ऑल रियल नंबर्स, चलिए ये तो आसान हो गया, ऑल रियल नंबर्स के लिए रेंज क्या हो जाएगी? अपर पैराबोला है तो y is greater than equal to, इस ग्राफ का मिनिमम पॉइंट क्या है बेटा? 10। शाबाश, चलें चलें जीरो जीरो से स्टार्ट करें, जीरो पुट करें, इसमें क्या आता है? फोर्टीन। ठीक हो गया, अच्छा ये भी 14 ही होगा। अच्छा -3 पुट करें इसमें, -3 + 2, -1, -1 का स्क्वायर 1, 1 + 10, 11। ठीक हो गया, अच्छा 0 पुट करने से 14 आ रहा था। -4 पुट करें, -4 + 2, -2 का स्क्वायर 59, 59 + 10, 59। अच्छा जी -4 पुट करें, -4 + 2, -2 - 2 का स्क्वायर 4, 4 + 10, 14। ठीक है, 10 पुट करें, 10 + 2, 12, 12 का स्क्वायर 144, 144 + 10, 154। ठीक हो गया, अच्छा जी अब मुझे बताएं इनमें से कितनी गलत हैं, ये नहीं बतानी कौन कौन सी गलत है, ये चलें ये बताएं कौन कौन सी गलत है, ये भी बता रहे चलें। तो सेकेंड वाली, थर्ड वाली भी गलत है, फोर, फाइव और सिक्स, पहले छोड़ के सारी गलत है, पहली छोड़ के सारी गलत है, पहली छोड़ के सारी गलत है, चलें चेक कर लेते हैं। अच्छा जी क्या इसका x इसकी डोमेन में शामिल है? नहीं, ये कह रहा है x is less than 0, तो -2 less than 0 नहीं है? है, तो इसका वर्टेक्स का x इसकी डोमेन में है, तो इसका y इसकी रेंज में नहीं होना चाहिए, ये क्या हो जाएगा फिर, ये करेक्टेड वर्जन क्या होगा? y is greater than 10 equal to, ठीक हो गया। इसी तरीके से इधर आ गए, ये कह रहा है x is greater than equal to 0, क्या ये इसमें इंक्लूडेड है? नहीं, तो ये भी नहीं होना चाहिए, फिर इसका मतलब है ये ठीक है। ओके समझ आया? अच्छा x is greater than equal to 3, क्या ये इसमें इंक्लूडेड है? x is greater than equal to -3, sorry -2 बताएं इसकी डोमेन में इंक्लूडेड है, तो व्हाट अबाउट दिस वन, इसकी रेंज क्या होगी फिर? y is equal to greater than equal to 10 आ जाए, ठीक हो गया, हमने वर्टेक्स को इंक्लूड कर दिया इसमें। ये बताएं जी -2 इसकी डोमेन में है जी, जीरो से बड़ा है और फाइव से छोटा है, -2 इज दिस अ पार्ट ऑफ इट्स डोमेन? नो, तो इसका वाई इसकी रेंज का पार्ट नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब है ये ठीक है, ठीक है जी। तो इसका y भी इसकी डोमेन में इंक्लूडेड होना चाहिए फिर, रेंज तो तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा फिर? 10 से, ठीक है, पहले ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? 14 से, तो इसको आपने करेक्ट करके क्या कर दिया? 10 कर दिया। ओके समझ में आया?
तो ये था आपके पास डोमेन एंड रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक्स, दैट्स इट, आज यही करना था हमें, सही है? समरी देख लेते हैं सारों की. हमने पढ़ा लीनियर, ठीक है, y is equals to mx plus c. अगर आपके पास m पॉजिटिव है तो डोमेन आप जो भी पुट करेंगे उसके रिजल्ट में जो भी रेंज आएगी वो डोमेन पुट करने से आपके पास क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी. आसान काम था वो, बल्कि y is equals to mx plus c जितने भी हमने किए उनमें डोमेन पुट करते थे रेंज आ जाती थी. ऐसे ही है, फर्क क्या आता था, अगर m पॉजिटिव है, अगर m पॉजिटिव तो x और y दोनों इंक्रीज होते, वो ऑपोजिट होते थे. अगर पॉजिटिव m के केस में सेम सेम होता था, अगर x ग्रेटर देन है तो y भी ग्रेटर देन होगा, अगर x लेस देन है तो y भी लेस देन होगा. ओके अच्छा, इसी तरीके से अगर m आपके पास नेगेटिव होता तो x ग्रेटर देन होगा तो y लेस देन हो जाएगा, और अगर x लेस देन होगा तो y ग्रेटर देन हो जाएगा. ये आ गया लीनियर का, डोमेन पुट करने से रेंज आ जाएगी. उसके बाद हमने किया रेडिकल, ठीक है, रेडिकल आपके पास, उसमें आपके पास था रूट ऑफ, इधर आपके पास कोई फंक्शन था, बाहर कोई कांस्टेंट नंबर आपके पास प्लस माइनस हो रहा होता है, ठीक है, इधर अंदर आपके पास कोई भी फंक्शन अंदर अलजेब्रिक वैल्यू है, ठीक है, इसकी डोमेन निकालनी है. लेट्स से ये ए है, इसके अंदर जो भी अलजेब्रिक वैल्यू है तो इसकी डोमेन क्या होगी. अच्छा, इसकी नेचुरल डोमेन क्या है, नेचुरल डोमेन ऑल रियल नंबर्स, और नेचुरल रेंज क्या है, वो भी ऑल रियल नंबर्स. इसकी नेचुरल डोमेन क्या है, इसकी नेचुरल डोमेन है बेटा ए को जीरो, ए जो है आपने उसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो पुट कर देना है, जो भी रूट के अंदर वैल्यू लिखी होगी इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो पुट कर देंगे, आपके पास उसकी नेचुरल डोमेन आ जाएगी. ओके, जो रेंज होगी आपके पास वो बाहर जो भी नंबर, ये देखें मैं वापस लेके जाता हूँ आपको, ये हमने उस दिन क्वेश्चन किया था, ये वाला मैंने आपको कहा था रिलेशन चेक करें. अब देखें बाहर इधर कुछ भी नहीं था तो इसकी रेंज क्या आई थी, जीरो. इधर बाहर प्लस थ्री था तो रेंज क्या आ रही थी, थ्री से स्टार्ट हो रही थी. इधर टू था तो रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, टू से, ठीक है. इधर बाहर कुछ भी नहीं था तो रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही, टू. ओके, डोमेन आपके पास इसकी नेचुरल ये होगी और रेंज आपके पास इसमें हमेशा होगी y ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लस माइनस c, ठीक है. ये तब जब आपके पास रेडिकल पॉजिटिव है, रेडिकल नेगेटिव होगा तो ये ऑपोजिट हो जाएगा आपके पास, ठीक हो गया. और क्वाड्रेटिक्स, क्वाड्रेटिक्स की नेचुरल डोमेन जो होती है वो आपके पास ऑल रियल नंबर्स होती है, और रेंज जो होती है नेचुरल वो आपके पास वर्टेक्स से स्टार्ट होती है. इसके केस में ग्रेटर देन का आ जाएगा साइन, इसके केस में लेस देन वर्टेक्स, ठीक हो गया, वर्टेक्स, ठीक है, समझ में है. रिस्ट्रिक्टेड डोमेन जहाँ पे आ जाएगी, जहाँ पे एग्जामिनर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लगा देगा वहां आप डोमेन पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी, रेंज. फिर आपने उसको एडजस्ट करना है, एडजस्ट कैसे करना है वो जो मैंने आपको की पॉइंट लिखवाया है कि अगर वर्टेक्स का एक्स उसकी डोमेन में इंक्लूडेड है तो वर्टेक्स का वाई जो है उसकी रेंज में इंक्लूड होगा, वहां से उसको आपने एडजस्ट कर देना है रेंज को. ओके, तो ये डोमेन रेंज ऑफ फंक्शन आ गया, डोमेन रेंज निकाल लेंगे आप. जी सर, तो इसके अंदर सबसे मुश्किल चीज डोमेन रेंज होती है, अब आगे आसान चीजें रह गई हैं फंक्शंस की, सही है. जो सबसे इसमें मुश्किल चीज होती है जिसमें बच्चे स्टक होते हैं वो डोमेन रेंज ही होता है,
इसकी दो वर्कशीट्स हैं बेटा, मैं दोनों भेज देता हूँ आपको, तो फिर इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके जी सर। चल एनी क्वेश्चंस? नो चल ओके।